इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त जो हमारे मतलब जो गोल्ड मेडलिस्ट जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिया है, लेकिन देश की सरकारों ने, देश की मीडिया ने उनका एक बार भी देश के सम्मुख नाम नहीं रखा है या उनका सम्मान नहीं किया है। वो लोग इसमें शिरकत ले रहे हैं, जैसे कि हमारी बहन प्रिया सिंह, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉडी बिल्डिंग में महिला होते हुए भी, महिला के साथ साथ दलित महिला होते हुए भी देश का गौरव, देश का मान बढ़ाया है, गोल्ड मेडल वो लेकर आई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन देश की मीडिया ने एक शब्द उनके बारे में नहीं कहा है। वो इस कार्यक्रम में शिरकत ले रही हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं नामी गिरामी, आप आइएगा इस कार्यक्रम में और शोभा बढ़ाइएगा। आई लव आगरा, आगरा पहुंच गया हूँ। साथियों, कल आगरा में होने वाले विशाल धम कारवा की शूटिंग के लिए मैं पहुंच चुका हूं एक दिन पहले ही, और आप मेरी हालत देख रहे हैं। पूरी रात लखनऊ से आगरा का सफ़र तय किया है और सुबह के 5 बजे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं एक दिन पहले के इस ग्राउंड के, जीआईसी मैदान के, जिसमें कभी परम पूज्य बाबा साहब ने आगरा की जनता को संबोधित किया था। ये वही मैदान है और इस मैदान का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। और सुबह की जो तैयारी है कल के कार्यक्रम के लिए मैं दिखा रहा हूँ। मेरे सामने वो तमाम साथी यहाँ पर बैठे हैं जो कल के इस कार्यक्रम के लिए टेंट, लाइट और जो कुर्सियाँ हैं उसकी डेकोरेशन का वो काम संभाल रहे हैं। इन सभी लोगों से जानकारी लेंगे क्या क्या नाम है, कहाँ से आते हैं। और देखिए, सुबह 5 बजे रजाई में लेटे हैं, लेकिन दिन रात काम कर कर इस मैदान को आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं। भैया अपना नाम बताओ। अरे दीपक, इधर देख के बताओ यार। दीपक आपका? मोनू। आपका? वीरेश। आपका? सचिन। राजेंद्र। आपका? गोपाल। और आपका? सूरज। ये तमाम वो साथी हैं जो पर्दे के पीछे रहेंगे लेकिन आपको दिखाई नहीं देंगे। तुम्हारा नाम बताओ। रितेश। ये तमाम वो साथी हैं जो बनते करुणाशील राहुल जी के कार्यक्रम को मतलब एक गति दे रहे हैं। आप देखिए, तमाम बल्ली, बांस, टेंट का जो सामान है वो गढ़ चुका है, और सामने आपको एक पंचशील का भी बैनर दिखाई दे रहा है टेंट के बीच में। और आज पूरे दिन की हम कार्रवाई इन सभी बच्चों के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो के बारे में जरूर लिखेगा। बस गरीब है तो क्या हुआ साहब, प्यार तो आपको दे ही सकते हैं। देखिए हमारे भाई जो पीछे टेंट लगा रहे हैं सभी लोग, तो इन्होंने चाय और साथ में ब्रेड दी। इसको बोलते हैं भाईचारा, जिसके लिए भारत देश जाना जाता है। आपसी सौहार्द, प्रेम, समता, समानता, बंधुत्व के लिए ये देश जाना जाता है, और उसी की मिसाल है मेरे हाथ में ये चाय। और पीछे जो भाई बैठे हैं उनमें से कुछ जाटव हैं, कुछ बघेल हैं, कुछ ब्राह्मण हैं, कुछ दूसरी जाति के हैं, लेकिन सभी लोग बुद्ध के इस कार्यक्रम में अपना जो योगदान है वो दे रहे हैं। पूज्य भिक्खु करुणाशील राहुल जी के नेतृत्व में कल विशाल धम कारवां का आयोजन आगरा में किया जा रहा है, लेकिन उससे पूर्व एक दिन पहले यानी आज 17 मार्च को एक विशाल बुद्धा पीस यात्रा का भी आयोजन किया जा रहा है, जो अंबेडकर पार्क से लेकर दोपहर 1 बजे जो शुरू होगी और जीआईसी ग्राउंड, इसी ग्राउंड में आके वो उसका समापन किया जाएगा। जहां तक आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों से मेरी अपील है,
आप सभी से मेरी अपील है आज के इस बुद्धा पीस मार्च में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पहुँचें और कल होने वाले बौद्ध धम्म कारवा में भी आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, ऐसा मेरा आप लोगों से निवेदन है। आप देख रहे हैं मैं पूरी रात लखनऊ से चलकर इस कल के होने वाले ऐतिहासिक कार्यक्रम में आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, कितनी जोर शोर से तैयारियाँ चल रही हैं।